हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। कितना बजा है? 7 बजने वाला है और इनका 8 बजे से पेपर। ये हो रहे हैं रेडी, ये जाएंगे छोड़ने, वो भी रेडी हो रहे हैं। और मौसम का हाल आपको दिखाते हैं। तो मौसम कुछ है आज इस तरह का, तो ये देखिए कोहरा कितना भयंकर है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है आज। सब चारों तरफ कोहरा कोहरा दिख रहा है, पूरा दिखता था कुछ नहीं दिख रहा है आज। बहुत ठंडा है, बहुत ही ज्यादा। पापा निकल गए, नीचे गए गाड़ी निकालने। अब जूते पहनना अलाउ होता है? हम लोगों के टाइम पे जूते नहीं पहने जाते थे, हम लोग स्लीपर पहन के जाते थे पता। जूते बाहर निकलवा देते थे। तुम लोगों के टाइम पे बहुत आराम है पेपर में, हम लोगों के टाइम पे बहुत दिक्कत थी। हाँ ये मानते हैं, हमारे टाइम कैमरे नहीं लगे थे। पापा चिल्लाने लगे वहां, गाड़ी चल आवाज आने लगी। यहाँ पे बनके हो गया है नाश्ता रेडी, बथुआ की पूड़ी और सब्जी। तो चलिए पहले इनको नाश्ता दे दें क्योंकि निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। तो सी गई पेपर देने, चाहत को भी स्कूल जाना है, तो फटाफट से नाश्ता देते हैं सबको। इसका काम चालू हो गया बैठ के। लो क्योंकि मुन्ना का अटका हुआ था वहाँ कुछ। कोई बात नहीं। सारा काम निपट गया बढ़िया, और धूप निकल आई है बढ़िया सी। तो धूप निकली, सारे कपड़े वगैरह डाल दिए, धुल दिए हैं। तोशी तुम इधर का ही देख लो, हम जाएंगे गेहूं मिलने जाके। तोशी भी आ गई, तो ये अपना पेपर देख के, नाश्ता वगैरह हो चुका है, बाकी सारा काम खत्म है। तो धूप का मजा लेते हैं और गेहूं बिन के रख देते हैं क्योंकि आटा पिसवाना है। तो हम छानेंगे और संध्या मम्मी बिनेंगे। देखो अपनी पोजीशन ले चुकी है। चलिए गेहूं फटाफट करते हैं। देखिए एकदम बढ़िया आ गई, कपड़े भी सारे डाल दिए। ये वाले सूखने के लिए गेहूं डाले, कल डाले थे, थोड़ा डाल दिया ताकि जल्दी सूख जाए। और इधर हम लोग गेहूं ये बिनेंगी और हम छानेंगे। तो चलिए फटाफट से लगते हैं काम पे। इतनी जी तेज हवा चल रही है और इतनी ठंडी में घर बना रहे, बाप रे बाप, बड़ा मुश्किल है। ये चाची हैं, कभी कभी आती है हमारे घर, जो भी थोड़े मोटे काम होते हैं वो कर लेती है आराम से। कौन मेरी बदल देती है, कौन मेरी बिगाड़ दे, बिगाड़ देते हर तरीके का इंसान है। हाँ तो सारी लकड़ियां टूट गई। तुमने कितने गट्ठर बनाए? 3। संध्या की मम्मी के 3 है, 1 2 3। चाची के भी 3, 1 2 3। हमारा केवल है 1। हमारा 1 गट्ठर है, हमने तोड़ी है मगर सबसे ज्यादा हमने तोड़ के इकट्ठा की है। लाई जमा कर थोड़ी जंगल से तोड़ी, हम जंगल से तोड़ के लाए हैं। जंगल में मंगल हो रहा है। आप पता ये वाला सोफा भी तोड़ के इसको भी किनारे कर देंगे, है ना संध्या मम्मी? आज खत्म कर दिया जाए इसको,
धूप का पूरा फायदा उठाओ। इधर नया घर बन रहा है किसी का, धूप की वजह से सबके छतों पे काम चल रहे हैं, कपड़े भी सबकी छतों पे पड़े। और इधर कितना बढ़िया हरा भरा हो रखा है। ये धनिया बोई है क्या वाजपेयी अंकल ने, है ना? आम का पेड़ देखो कितना बढ़िया हरा है, मस्त। ये वाली गाइस धनिया है, हरी धनिया। कुछ गेंदे के पेड़ भी लगा रखे हैं, फूल वगैरह। सेम का पेड़ है ये वाला, सेम का पेड़ है ये। ये है कटहल का पेड़ और है अमरूद। आपके पास अमरूद लगे नहीं अभी अंकल ने दिए नहीं एक बार। तापने का देखो कितना बढ़िया बना रखा है, झोपड़ी जैसा। यहाँ सुबह आके आग जलाते हैं अंकल लोग, बैठ के तापते हैं। पूरा चारों तरफ से कवर करने, तीन तरफ से तो खुला ही है, एक ही तरफ कवर है केवल। इधर 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 तीन साइड तो खुला ही है। धूप में काम हो गया काफी, ये लोग लगे पड़े अपने अपने काम में। चाची गट्टर बांध रही। अच्छा सब अपने अपने काम में लगे हैं। मेरा काम था लकड़ी तोड़ना, हमने सब लकड़ियां तोड़ी, ऐसी नहीं हम खाली नहीं बैठे। ये सोचो और गट्ठर देखो कितने बना 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 के रखे हैं। ये देखिए बढ़िया गट्ठर बना बना के रख दिए इन लोगों ने। अब नंबर है इसका सोफे का, क्योंकि बहुत दिन हो गए अब इसके। आज इसका भी काम तमाम करते हैं। फोकट में पड़ा है, इसे जला देंगे, रोटियां वगैरह बन जाएंगी। कल दिया ये हटा दी ना। तो फाइनली पूरा लकड़ियां वगैरह तोड़ के पूरी छत साफ करके आए हैं। बता बुआ आज ये देखो इसको जाके लेट गया। वो क्या खाना है, सब्जी पूरी नहीं खानी? खिचड़ी बना ले आप, पापा भी आने वाले होंगे। खिचड़ी बना ले रहे इतने समय, क्योंकि सलोनी बर्तन धो के भी आज जा चुकी जल्दी। पीली वाली मतलब आ रहा है कि दाल वाली ना, पीली वाली खिचड़ी बना लेते हैं। तो यही करते, बहुत काम किया पता, एक कांटा लग गया था मेरे हाथ में। फिर क्या अस्पताल नहीं गए तुमको? हम अस्पताल जाते तो अच्छा लगता नहीं भाई, कांटा लग गया इतनी बड़ी बात इतनी बड़ी बात हो गई। तुम बहुआ बहुत मस्ती करती हो, बहुत मस्ती करती हो भैया। क्या हुआ, थक गए क्या? कोचिंग कितने बजे की? 5 बजे की, उसके पहले खवा दो तुम्हारी। हाँ तो खिचड़ी बनना चढ़ाने जा रहे हैं, चावल बिन के रख दिए, खिचड़ी बनेंगे। क्योंकि काम करते करते हो गया बहुत लेट, सब्जी पूरी तरह। हाँ कुछ बोले तो खिचड़ी बनाएंगे, क्योंकि ये भी आने वाले हैं। सब्जी रोटी वगैरह नहीं बनाएंगे। 4:30 क्या क्या बता रहे पहले भूखे? तो भैया लंच तो लेके तुम गए थे, सब्जी पूरी रखा, तुम खाओगे नहीं, तुमको कुछ नया चाहिए तो अभी बना रहे। बस 10 मिनट रुको, पापा भी आने वाले हैं, ठंडी हो जाएगी खिचड़ी। हाँ गाजर का हलवा ले लो अपने। हाँ अपना घर वाला से। हाँ हाँ आंटी वाला हम खा चुके अपने घर वाला खाओ। सब अपने अपने कम्बल में विराजमान है। लाओ पैसे, इनको पैसे दो, जा रही मार्केट, लाओ पैसे। और कौन जा रहा है? अच्छा चाहत को चाहिए गाजर का हलवा, उसको दे देते हैं गाजर का हलवा, खा लेगा तो फिर थोड़ी इसको राहत मिल जाएगी। पता नहीं भैया। तो आप बनाएंगे खिचड़ी चाहत, टीवी के आज बहुत तेज फाई करके सुनते हो तुम। कपड़े वगैरह उठाएंगे रखेंगे, गेहूं भी बिन गए,
आटा भी छन के, धूप हो जाती है तो बहुत सारा काम हो जाता है, धूप नहीं होती तो फिर काम नहीं हो पाता। फाइनली मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी अरहर की दाल की। ये क्या नमक पीस रही हो? हरा नमक ना। आई महक कितनी बढ़िया आ रही है, गजब की। नमक पीसा जाए। इसमें क्या क्या डाला है? हरी धनिया मिर्चा और नमक, नमक हींग जीरा। ये थोड़ा नमक हमको भी दे देना, हमको भी दे देना। तो यहाँ पे चढ़ाएंगे खिचड़ी। तो चढ़ा दिया है दाल, अरहर की दाल ली है, चावल, और ये डाल दिया नमक, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा तेल। उसके बाद इसको चढ़ा देंगे। और इसमें डालेंगे हल्दी। नमक की इतनी खुशबू आ रही ना, अब आलू खाने मन कर। चलो आलू भूनने के लिए वो बनाए चल के जुगाड़, जो आग जलाई थी ना उसके ऊपर रखे चल के, थोड़ा और हो जाए फिर भूनी जाए थोड़ी आलू। चलो भूनते हैं आज। बन रही हमारी खिचड़ी और इधर जला दी आग, क्योंकि जब खाना खाएंगे तो ठंडा हो जाएगा। और सूर्य भगवान एकदम जा चुके हैं तो अभी आए भी नहीं, खाना खाए तो ठंडी हो जाएगी, इसलिए पहले आग जला के रख दी है। और इसमें डाल रखे हैं अंदर आलू, आलू भी भुन जाएंगे और ठंडी का जुगाड़ भी हो जाएगा। तुम्हें भी जाड़ा ही लग रहा है, देखो अभी हम पूछते हैं। कोई एक टेबलेट हम खाते थे जब बर्तन निकलता था तो दर्द भी नहीं होता है, वो धीरे धीरे क्या नाम की वो बैठ भी जाती है बर्तन, वो टेबलेट को भी हम पूछते हैं प्रमेन से, वो तुम जाके ले आओ या हम ही जाके ले आएंगे तुमको, इनकी पीठ में बर्तन निकला है ना बहुत, ऐसे जगह पे ना लेट पाता है ना बैठ पाता है, बहुत गलत जगह पे। अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो मत जाओ कोचिंग आज, दर्द हो रहा है क्या? देखो शॉपिंग करके आ गई लड़की, ये तो बहुत सामान ले आई, अपने घर की है का और क्या, दूसरे घर की थोड़ी ना, अपने घर की ले जा रहे बिस्किट भी नहीं खाई जा ना, दिखाई दे का आगे ना ले 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 मैं खा रहा हूं वापस करो। सबके खिचड़ी में घी पड़ा है आज, खिचड़ी किस हिसाब से बनाई है? खिचड़ी इस हिसाब से बनाई क्योंकि हम लोग भाई बहुत थक गए थे आज। लो मूली दे रहे हैं, छत पे बहुत काम। तो आज खाना कितने बजे हो रहा है पता? 6 बज गया, 6 बजे आज खाना हो रहा है। 6 बज गया ना भैया, खिचड़ी बढ़िया बनी है, अच्छी बनी, सूखी सूखी बनी है एकदम। वो खानी है, इसको चाहिए थी अरहर की दाल खिचड़ी, कहता पीली वाली बनाओ इसीलिए बनाई है। और खाना खाने के बाद अब यहाँ पर फिर से जल चुकी है आज, और यहाँ पर साइड में कुछ आलू भी रखी हुई हैं। आलू इसके अंदर भी है काफी सारी, अभी इसके अंदर है हाँ। तभी अच्छा इतना ऊंचा लग रहा था, हम सोचे अच्छा क्या लग रहा, आग तो ऊपर जल रही, आलू इसमें रखी है अंदर। ये चादर पक रही है, ये दो मतलब पक चुकी है तो इनको किनारे लगा दिया, क्योंकि सबको एक साथ देंगे, अलग अलग देंगे, सब एक लोग खा लेंगे दूसरा रह जाएगा, इसलिए कुछ बनाया जाए आज शाम को कि नहीं, मन नहीं आ गया, थक गए बिता, चाय बना लो खाली एक एक कप बस, अब तो मेरे पैर तर बस चालू इसको। हाँ अभी बना देगी दीदी, भैया को भी उसको भी बना दो, उसका भी मन है चाय पीने का। अच्छा अच्छा ऐसे तो रोज वही पिलाता है चाय बना के। ऐसा नहीं है, तुम्हारा दर्द न समझता तो तुम्हारा पिताजी न जाता दवा लेने के लिए आया है। हम अपनी दवा तो लेने के गए नहीं है, तुम्हारी लेने गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात है। खोल देना धुआं हो रहा, पापा भी आते ही कहेंगे धुआं हो रहा है, दीवाले पीली हो जाएंगे। तुम क्या फिर ले गए? गेम करो धुआं एक्टिंग करने की, एक्टिंग जारी है ठीक है। बनी पकी? हाँ और क्या, पक गई, सबसे आग जल रही थी, बनेंगे नहीं बनने गई, पक गई, कुल मिला के वही होता है। चाय पक गई बोल तो चाय पक गई। अरे प्रॉग सॉरी।
फ्रॉग इज लाइक नॉनवेज भाई, इससे बड़ी तुम्हारी क्या ही इज्जती हो समवन, हाउ लकी यू आर। ये इसका शॉट बना लो तुझे। गाइस आप भी खा लीजिए। हाँ हाँ हुई आलू नमक बहुत मस्त है, बहुत दिन तक खाने को मिले। जिसको जिसको खानी है आ जाओ, ठंडियों में बहुत अच्छी लगती है। बंद करो टीवी यार, खाओ ना। नहीं खाने क्या इसको, वहीं दे तो। आलू खाने के बाद हम लोगों की आ गई है चाय, तो उसी ने बनाई चाय। कहाँ बैठे उसी बैठे, वो चाह तो उधर चाय पी रहा है, तो अब हम लोग पियेंगे चाय। आप भी पी लीजिए चाय हमारे साथ, अभी मैंने पी नहीं है, कम ली है आज। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग का है पैन। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो ब्लॉग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे। क्या हुआ?